हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमरनाथ विश्वकर्मा। और आज से आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। और हमारा यूट्यूब चैनल पर और भी वीडियो जो केमिस्ट्री के अपलोड किए गए हैं, जिसमें IIT JEE और NEET का क्वेश्चंस भी हैं और बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड किया है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, क्लास टेंथ का। आज आप लोग का क्लास फर्स्ट ईयर का लेसन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम, NEET एग्जाम और आपके सिलेबस में भी, वह लेसन है आयनिक इक्विलिब्रियम। चूंकि NCERT में इक्विलिब्रियम दिया है, इक्विलिब्रियम आपका दो पार्ट में डिवाइड है, एक आपका केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल और आयनिक दोनों में डिफरेंस होता है। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम का बात करें तो उसमें क्या होगा, उसमें रिएक्शन जो, उसमें डिसोसिएशन का बात नहीं करेंगे, उसमें आयन का बात नहीं करेंगे, उसमें जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में होगा, एटम मालिक्यूल से ही सब होंगे। लेकिन जो आयनिक इक्विलिब्रियम होगा इसमें मालिक्यूल्स होगा और या अनडिसोसिएट कंपाउंड या मालिक्यूल्स होगा और डिसोसिएट आयंस होगा, इसके बीच में इक्विलिब्रियम आएगा और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो ये लेसन है आयनिक इक्विलिब्रियम, जो बहुत बड़ा लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो सबसे पहले समझिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक हमको समझना है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में जनरली हर साल NEET और IIT JEE का अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका बनता है pH पर। pH जो है उस पर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ओस्टवाइल डाइल्यूशन लॉ, इस पर क्वेश्चन आते हैं इसके न्यूमेरिकल बेसिस पर। इसके अतिरिक्त अगर बात करें बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन में हेडरसन इक्वेशन जो pH निकालने के लिए दिया है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए, उस पर क्वेश्चन आपके आते हैं। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पोर्शन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी किसी भी स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हर साल NEET और IIT में आते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माना जाता है। तो ये कुछ 5-6 टॉपिक्स हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। साल्ट हाइड्रोलिसिस भी है, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि साल्ट हाइड्रोलिसिस में हम लोग कई तरह के साल्ट को पढ़ते हैं। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ साल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसका pH या जो भी रिलेशन उसमें कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो जनरली इस चैप्टर्स में ये सब टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। और ये सभी टॉपिक्स आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लेवल से अगर बात करें तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हायर सेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझें आयनिक इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये दो टर्म ज़्यादा समझना है। अगर हम बात करें तो मटेरियल अगर दो तरह का अगर डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट जनरली अगर आर्नियस के अकॉर्डिंग बताएं, क्योंकि आर्नियस ने भी कंसेप्ट दिया था, तो जनरली इलेक्ट्रोलाइट आर द केमिकल स्पीसीज विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म आर मोल्टेन स्टेट एंड दिस कंडक्टेंस एराइजेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयंस विच आर अवेलेबल इन द एक्वस फॉर्म आर मोल्टेन स्टेट। यानी इलेक्ट्रोलाइट वही केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा जिसका एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, यानी अर्थात अगर उसमें करंट पास करें तो करंट को कैरी कर सकता हो और ट्रांसफर कर सकता हो। और ये फिनोमेना ऐसे सब्सटेंस में, ऐसे मटेरियल में, उसमें पाए जाने वाले फ्री आयंस की वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिजॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है वह इलेक्ट्रोलाइट आयनों में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे मान लें अगर हम ले लिया गया NaCl, पानी में डिजॉल्व किया तो Na+ और Cl- तो टूटेगा, तो दीज आयंस आर कॉल्ड फ्री आयंस। और यही आयंस जो होते हैं रिस्पांसिबल होते हैं, जो करंट को कैरियर होते हैं और करंट को कैरी करके ट्रांसफर करते रहते हैं, इसीलिए ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे मटेरियल क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट का कुछ प्रॉपर्टी, जैसे अगर इसको डिजॉल्व करेंगे वाटर में या किसी पोलर सॉल्वेंट में तो यह डिसोसिएट हो जाता है, आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली डिसोसिएट होगा, पहला तो कंडीशन ही है। साथ ही साथ इसका एक्वस फॉर्म या मोल्टेन स्टेट फॉर्म ले लें या एक्वस स्टेट में ले लें तो ये दोनों स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, दोनों केसेस में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। लेकिन सॉलिड स्टेट में जो होगा, जो साल्ट होते हैं जनरली, जैसे NaCl सॉलिड स्टेट में है, आप क्लास 10 में पढ़ेंगे सॉलिड NaCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी,
क्योंकि सॉलिड NaCl जो होगा उसके आयंस फ्री फॉर्म में नहीं होगा, जब तक उसको वाटर में डिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक उसको गलाएंगे नहीं, तब तक उसके आयन अलग सेपरेटली नहीं होगा। इसीलिए सॉलिड NaCl डज नॉट हैव द फ्री आयंस, ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ फ्री आयंस इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर इज नो करंट कैरियर, उसमें कोई करंट कैरियर है ही नहीं सॉलिड NaCl में। लेकिन वही एक्वस फॉर्म में ले, मोल्टेन फॉर्म में ले, तो दोनों कोश में फ्री आयंस होगा और वही आयंस उसके कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, अगर किसी साल्ट का इलेक्ट्रोलाइट का अगर कंडक्टेंस का बात करें, उसके कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी को बात करें, तो सबसे बेटर अगर बात करें तो NaCl या कोई भी साल्ट होगा, NaCl का एक्वस फॉर्म जो होगा सबसे बेस्ट कंडक्टेंस का काम करेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेगा एक्वस फॉर्म में, क्योंकि इसमें आयंस ज्यादा होगा, इसमें आयंस ज्यादा होगा। इसके बाद से NaCl अगर मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन मतलब लिक्विड फॉर्म में ले, अब लिक्विड फॉर्म का मतलब मोल्टेन स्टेट गला दिया गया, इस स्टेट में इसका कंडक्टेंस जो कंडक्टिंग पावर होगा, कंडक्टिंग पावर दैट इज लेस देन एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl, यानी NaCl का जो एक्वस फॉर्म होगा उसके अपेक्षा इसका कंडक्टिविटी कंडक्टेंस प्रॉपर्टी या कंडक्टिंग प्रॉपर्टी जो करंट को कैरी करने की कैपेबिलिटी होगा इसका इससे मतलब कम होगा, और सबसे कम लेस देन होगा किसका, सॉलिड का, सॉलिड फॉर्म में होगा लेकिन इसका कंडक्टिंग पावर सबसे लेस होगा जो पता नहीं चलेगा। इसलिए यह क्रम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यह कंडक्टिंग पावर है, कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, तो याद रखे रहेंगे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका एक्वस फॉर्म सबसे बेस्ट कंडक्टर होगा, मोल्टेन स्टेट उससे थोड़ा सा कम होगा लेकिन सॉलिड फॉर्म में बहुत ही कम होगा, उसका कंडक्टिंग पावर बहुत ही कम होगा, समझ एटलीस्ट बहुत लो होता है, समझ गए। अब ये आपको याद रहना चाहिए, ये समझेंगे आप लोग, तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो जनरली इलेक्ट्रोलाइट दो तरह होते हैं बच्चों, देर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सेकेंड होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बात करें तो सिंपली कह सकते हैं द इलेक्ट्रोलाइट विच कैन कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस फॉर्म, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिसको वाटर में अगर डिजॉल्व करें तो कंप्लीटली लगभग अबाउट 100% आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे एल्कली मेटल ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं तो उनके जो भी साल्ट होगा वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो आप समझ लेंगे इसका जो डिसोसिएशन होगा, इसका जो आयनाइजेशन होगा वाटर में डिजॉल्व करने पर नियरली अबाउट 100% होगा, अबाउट 100% 99 point something हो सकता है, ये समझ लीजिएगा, यह अबाउट 100% आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा जब इसको हम एक्वस फॉर्म में डिजॉल्व करें, एक्वस यानी वाटर में डिजॉल्व करेंगे। अब ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये तीन तरह हो सकता है, एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है क्योंकि वो भी इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। इस तरह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थ्री टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग साल्ट। जैसे आप सुनते आ रहे हैं H2SO4 कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl4 कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये सभी जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझ गए ना। स्ट्रॉन्ग बेस का बात करें जैसे NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, LiOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। एल्कली मेटल के चाहे हाइड्रोक्साइड हो चाहे वो हैलाइड हो वो सभी स्ट्रॉन्ग में काउंट होते हैं क्योंकि एल्कली मेटल हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है ना, यही मेन पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग साल्ट का बात करें तो एल्कली मेटल आप बताया भाई NaCl, KCl, समझ रहे ना, CHCl, ये सब आपका स्ट्रॉन्ग साल्ट हो गया। इस तरह जो इलेक्ट्रोलाइट होता है दो तरह के, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक वीक इलेक्ट्रोलाइट,
स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स आर थ्री टाइप, स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग साल्ट। सिमिलरली वीक इलेक्ट्रोलाइट का बात करें तो इसका भी डिफिनेशन सेम ऐसे ही है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्वस फॉर्म में 100% नहीं होता, पार्शली होता है। पार्शली मतलब 40%, 30%, 20%, यानी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, पार्शली डिसोसिएट होगा। आंशिक रूप से पानी में घोलेंगे तो आयनों में डिसोसिएट होगा, आयनाइज होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये भी आपका तीन तरह होता है, एक वीक एसिड, ऐसे वीक बेस और इसी तरह वीक साल्ट। ये तीन तरह हो गया, वीक साल्ट, वीक एसिड जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक HCOOH, एसिटिक एसिड, ये सब वीक एसिड है। वीक बेस जैसे NH4OH, AlOH का होल थ्राइस, ये सब आपका वीक बेस हो गया। वीक साल्ट, वीक साल्ट अगर बात करें तो CH3COOH4, ये आपका वीक साल्ट हो गया। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, Na2CO3, ये भी आपका साल्ट है लेकिन वीक साल्ट है। ये सब आपके, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सब आपके वीक साल्ट हैं, और ये आपका स्ट्रॉन्ग वीक बेस है, और ये आपका है वीक एसिड। तो इस तरह इलेक्ट्रोलाइट को मैं क्लासिफाई किया, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट आर कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट आर पार्शियली डिसोसिएट, ये कम डिसोसिएट होगा, ये ज्यादा डिसोसिएट होगा एक्वस फॉर्म में। ये तीन तरह के स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग साल्ट, इसी तरह भी तीन तरह के वीक एसिड, वीक बेस एंड वीक साल्ट। तो आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। आप नोट कर लिए होंगे, ठीक। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान समझेंगे। अब एक और चीज समझ लें, यहां पर इक्विलिब्रियम का जब बार बार वर्ड आ रहा है तो जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है वह जनरली इक्विलिब्रियम शो नहीं करता है। जैसे मान लो HCl लिखते हैं H+Cl-, लेकिन वहीं पर अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे NH4OH तो यह इक्विलिब्रियम शो करता है, NH4+ और OH- ion, यह इक्विलिब्रियम शो करता है। तो जनरली ये देखा गया जो वीक इलेक्ट्रोलाइट तो पार्शियली डिसोसिएट होता है और ये 100% होगा नियरली। तो उस केस में अगर इसका इक्विलिब्रियम देखें तो इसमें इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं होता है, अस्थायी नहीं होता है, मतलब स्थापित नहीं होता है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट उसी में इक्विलिब्रियम आएगा, और इसी के लिए हम लोग जो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इसका यूज करेंगे। समझ रहे बच्चों? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखे रहेंगे। आप अपने बुक में देखे होंगे जो मतलब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका जब डिसोसिएशन करते हैं तो एक ही एरो यानी इरिवर्सिबल फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे आप इक्वेशन में तो आपका इक्विलिब्रियम में आप ऐसे लिखते हुए देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक का बात करें, कॉमन आयन इफेक्ट यह होता क्या है, क्योंकि इस टॉपिक का यूज हर जगह है चैप्टर में, और इसके वजह से हम लोग बहुत सारे चीज पढ़ सकते हैं। तो चले देखें कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कॉमन आयन होता क्या है। तो कॉमन आयन मींस जनरली कह सकते हैं ऐसे दो या दो से अधिक प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच हैव द सिमिलर आयन, यानी ऐसे दो या दो से भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट जिसमें समान आयन अवेलेबल हो। समान आयन मतलब एक जैसा आयन है उपस्थित हो, तो ऐसे आयन को तो हम कॉमन आयन कहेंगे, और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को, ऐसे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलेंगे कॉमन आयन इलेक्ट्रोलाइट। दो चीज है, कॉमन आयन इलेक्ट्रोलाइट किस वाले को बोलेंगे? जैसे अगर हम बात करें NaCl और AgCl, अगर इसको भी तोड़ेंगे पानी में घुलेंगे तो Na+Cl- टूटेगा, AgCl को भी तोड़ेंगे
Ag plus और Cl minus टूटेगा। तो इन दोनों में देखें, यहाँ भी Cl आयन और इसमें भी Cl आयन, दोनों में Cl आयन उपस्थित है, इसमें भी और इसमें भी, तो ये दोनों समान है, इसलिए इनको बोलेंगे हम कॉमन आयन। क्या बोलेंगे बच्चों? कॉमन आयन। और इस इलेक्ट्रोलाइट को जिसमें ये आयन दे रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट को जो कॉमन आयन दे रहा है, इसको बोलेंगे हम कॉमन आयन इलेक्ट्रोलाइट। समझने के लिए आपको बता रहा हूं, कॉमन आयन, कॉमन इलेक्ट्रोलाइट या कॉमन आयन इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि यही दोनों इलेक्ट्रोलाइट है जिसको आयनाइजेशन के बाद सिमिलर आयन दे रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे हम सिंपली कॉमन आयन इलेक्ट्रोलाइट, इसको बोलेंगे कॉमन आयन। क्या बोला जाएगा? कॉमन आयन। आई थिंक आपको समझ आ गया। ऐसे कॉलिंग आपको देख लें, CH3COOH4 ये आपका है, और फिर से CH3COOHNA, ये देखें, इसको आयनाइज करेंगे तो देगा CH3COOH NH4+, इसको आयनाइज करेंगे तो देगा CH3COOH- और Na+। सिंपल भाई, Na है तो Na+ देगा, ये NH4+ होता आप जानते ही हैं। अब इन दोनों इस रिएक्शन में देखें, इसमें क्या है, एसीटेट और ये एसीटेट आयन, दोनों में एसीटेट आयन। अब देखो यहां पर, देखो बच्चे यहां रिवर्सिबल है, यहां ही रिवर्सिबल सेम, मैं बताइए क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक है, ये याद रखेंगे। तो ये दोनों में देखो, ये दोनों आयन आपका समान है, इसलिए इन दोनों आयन को कॉमन आयन कर देंगे। चूंकि ये दोनों आयन कौन दे रहा है, यह और ये दे रहा है, इसलिए इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट को बोलेंगे कॉमन आयन इलेक्ट्रोलाइट। क्या ये कंसेप्ट समझ आया? अभी डिफिनेशन नहीं है, मैं केवल आपको बताया कॉमन आयन एंड कॉमन आयन इलेक्ट्रोलाइट मीनिंग होता क्या है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा बच्चों, आप जरूर कमेंट्स करेंगे, अगर नहीं समझ आएगा आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, ताकि मैं उस कमेंट्स का पढ़कर उसका आंसर भी उसमें दे सकूं। तो बच्चों समझ आ गया, चलिए देखिए होता क्या है। कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है? तो कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब कह सकते हैं द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब आयनाइजेशन कह सकते हैं, अल्फा कह सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का वह फ्रैक्शन, वह भाग जो डिसोसिएट हो रहा है एक्वस फॉर्म में, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ गए? जैसे मान लीजिए यह इलेक्ट्रोलाइट है, इसका कुछ भाग आयनों में टूट जा रहा है, मान लीजिए 20% भाग टूट गया, तो इसका अल्फा का वैल्यू क्या होगा? 20% या 0.2 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है द फ्रैक्शन, द टोटल फ्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट इन एक्वस फॉर्म, यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का वह फ्रैक्शन, वह भाग, वह अंश जो किसी एक्वस सॉल्यूशन में घोलते हैं तो डिसोसिएट होता है, आयनाइज होता है, तो उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसको क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यह देखिए कॉमन आयन इफेक्ट, तो कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब होता है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बी डिक्रीज व्हेन एन कॉमन आयन इलेक्ट्रोलाइट, इज एडेड इन दीज सॉल्यूशन। अर्थात अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मान लिया हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है AgCl, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये पानी है घोला गया, AgCl Ag+ और Cl- में टूटेगा, आप जानते ही टूटेगा, लेकिन यही है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होगा क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे जिसमें कॉमन आयन हो, यानी इसके कॉमन हो, यानी कॉमन इलेक्ट्रोलाइट मिलाए, कॉमन आयन इलेक्ट्रोलाइट लेकिन वो स्ट्रॉन्ग हो। जैसे मान लीजिए मिला दिए NaCl, तो NaCl जब डिजॉल्व करेंगे तो ये टूटेगा Na+ और Cl-, ये भी जाएंगे इसी में आएगा। इतना समझ आया? चूंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, और ये क्या है, वीक। तो जनरली ये मैं बताया, जब ये नहीं था तब तो कुछ डिसोसिएट हो रहा था, लेकिन जैसे NaCl को ऐड कर दिया तो इसके कॉमन आयन की वजह से इसका डिसोसिएशन जो है, AgCl का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो घट जाता है, वो कम हो जाता है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, इसी फिनोमेना क्या बोलेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, रीजन भी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है।
क्योंकि इसमें ली चैटेलियर प्रिंसिपल का यूज कर देंगे, समझ आ जाएगा। एक और समझ लें, आपको मैं सिंपली बता रहा हूं कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है जब उसमें एक कॉमन आयन इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें, समझ गए ना, जब उसमें स्ट्रांग कॉमन आयन इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें, तो जिससे इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हो रहा था कम हो जाएगा। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इसी फिनोमेना क्या बोलेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। अब आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्यों कम हो गया, तो बहुत सिंपल ही हम लोग समझ सकते हैं। तो चले देखें, यहां हमें पता है AgCl एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो इस तरह शो कर रहा है। जैसे हम NaCl को भी ऐड करेंगे तो चूंकि ये रिवर्सिबल होता है तो यह Cl आयन ज्यादा देगा, यह Cl आयन कम देगा, क्योंकि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब Cl आयन जैसे इसको ऐड करेंगे तो यह Cl इसी Cl के साथ जुड़ जाएगा, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा, यानी इन सबका कॉन्सेंट्रेशन इसके साथ भी जुड़ते बढ़ जाएगा, समझ गए ना, Cl आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तो खुद उसका Cl है ही थोड़ा बहुत और इसका ज्यादा Cl उसके साथ जुड़ने लगेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही सॉल्यूशन में है। और जब Cl आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो इस पूरे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और हम पढ़े ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये बोलता है, अगर किसी इक्विलिब्रियम में किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी का भी अगर कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर उस कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट कम हो जाए, यानी जिधर उस कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू निग्लिजेबल या बहुत ही कम हो जाए। अर्थात अगर हम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड क्यों आएगा, अगर हम इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। अगर हम मान लीजिए अगर ए और बी है, ऐसे समझे, अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो आपका फॉरवर्ड क्यों जाएगा, अब बी का बढ़ाएंगे तो आपका बैकवर्ड जाएगा। तो सेम यहाँ घटना हो रहा है। तो यहाँ ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन आप Ag प्लस Cl आयन और AbCl आयन है, जो ये दे रहा है, कौन दे रहा है, NaCl दे रहा है, जो NaCl दे रहा है, इनका जो पूरा कंसंट्रेशन होगा डेट इज ग्रेटर देन हो जाएगा, बहुत ज्यादा वैल्यू ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन किससे होगा, AgCl से। और जब इनके इसके कंसंट्रेशन से इन कंसंट्रेशन का वैल्यू ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम किधर को होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। बैकवर्ड मतलब ये दोनों मिलकर ये बनाना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो थोड़ा बहुत आयनाइजेशन हो रहा था उसका वैल्यू और कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि जुड़ने लगेगा भाई। जब ये आयन जुड़ कर जब ये बनाएगा इसमें जाएगा तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ हुआ था वो भी कम हो जाएगा। इसी इफेक्ट को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आ रहा होगा बच्चों। आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप कमेंट्स करेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, अपने अपने और क्लासमेट को इसको शेयर करेंगे इस वीडियो को, ताकि वो भी समझें। तो क्या आपको क्लियर समझ आया बच्चों? तो आप सीधे समझ लो, इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट जाता है जब एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड करें, बशर्ते उनमें क्या होना चाहिए, कॉमन आयन होना चाहिए। और यह इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन का है उसका वैल्यू बढ़ जाता है, और जब कंसंट्रेशन इनका बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इसी वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का होता है डिक्रीज हो जाता है, समझ गए बच्चों? तो इसी इफेक्ट को हम बोलेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। खास बात, जब कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से साल्ट का जो स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट है उनका सॉल्युबिलिटी भी जो होता है डिक्रीज हो जाता है। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर AgCl थोड़ा बहुत डिजॉल्व हुआ होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया होगा, लेकिन जैसे NaCl मिला देते हैं उसके सॉल्यूशन में, तो AgCl का जो सॉल्युबिलिटी है डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, इसलिए AgCl का सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही आप इसे नोट कर ले पहले, अगर इसी पर और कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे PbCl2 में HCl मिला दें, HCl मिला देंगे या NaCl मिला देंगे मान लीजिए, या KCl कोई भी ले ले, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट लेना है तो हमें पता है PbCl2 एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि KCl एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इन दोनों में कॉमन है Cl, इसमें भी क्या है Cl,
तो जैसे KCL को ऐड करेंगे तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता था स्प्रिंगली सॉल्वेंट जो साल्ट था, जैसे इसको ऐड करेंगे तो इसका सॉल्युबिलिटी जो होगा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड आएगा ना, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से PbCl2 का सॉल्युबिलिटी जो होगा पानी में डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए बच्चों? तो बहुत सिंपल है, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम इसी तरह आप रीजन बता सकते हैं कॉमन आयन का, और आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हमको लग रहा है। तो आई थिंक आपको समझ आया बच्चों, आप कमेंट जरूर करेंगे बच्चों। और आज मैं इतना ही लेक्चर आपको फिनिश कर रहा हूँ, कल मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस हम लोग पढ़ेंगे, और ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, तो बहुत सारे टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, और आपको कॉम्पिटेटिव लेवल क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगा, जो पिछले मतलब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछ चुके हैं, मैं उन क्वेश्चन को भी इन टॉपिक के रिलेटेड मैं कराऊंगा कुछ कल या और दिन कराऊंगा। तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, और कमेंट्स भी करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड बाय।